ओके सो मुझे फेशियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं करने वाली हूँ आज ये वाला ब्लेमिशेस पिगमेंटेशन फेशियल ट्रीटमेंट किट जीलियोर का यूज़ करके ये वाला फेशियल करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी टैनिंग हो रखी है। अगर ये ब्लेमिशेस पिगमेंटेशन के लिए है तो ये कंसर्न तो सॉल्व करता ही करता है, अदरवाइज ये टैनिंग के लिए, वाइटनिंग इफेक्ट के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कोई देरी ना करते हुए मैं शुरू करूंगी। ये मेरी किट है, ऑलरेडी ओपन्ड है। मैं इसमें से 2 बार कर चुकी हूँ फेशियल, अब मैं तीसरी बार करने लगी हूँ। पहला स्टेप है हमारा रिवर्जन टैन का, जो आपके टैन को रिमूव करता है। इट्स काइंड ऑफ क्लिंजर। तो मैं पहले अपना, ये आई थिंक आखिरी फेशियल रह गया मेरा, तो मैं क्लीन कर लूंगी अच्छे से। फर्स्ट रिवर्जन टैन, ये मेरी स्किन को अच्छे से रिसर्फेसिंग का काम करेगा और टैन को रिमूव करेगा, बेसिकली डेड स्किन को रिमूव करेगा। सो इसको मैं 5 मिनट्स तक मसाज करूंगी। मसाज। सो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, रिवर्जन टैन का जो स्टेप था। अब मैं, जो हमारा सेकंड स्टेप है वो भी क्लेंजर ही है, वो है स्वीट लाइम क्लेंजर। इसमें विटामिन सी होता है जो आपके कॉलेजन सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। इट मीन्स ये सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए, टैन रिमूविंग के लिए, ब्लेमिशेस रिमूविंग के लिए नहीं, आपकी एंटी एजिंग के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है। तो अब मैं अप्लाई करती हूँ स्वीट लाइम क्लेंजर, स्वीट लाइम क्लेंजर येलो इन कलर, जो हमें बता रहा है कि दिस इज रिच रिच इन विटामिन सी। तो इसको भी हम क्लेंजर की तरह ही यूज करेंगे, ठीक है। अच्छे से क्लीन करेंगे और देन हम अपना फेस वॉश कर लेंगे। ये भी अच्छे से आपके इम्प्योरिटीज जो हमारी रिमूव हो चुकी हैं फर्स्ट वाले टैन रिमूवल से, तो इससे क्या है कि इम्प्योरिटीज तो रिमूव हुई हुई, साथ में जो नरिशमेंट मिली वाइटमिन सी की, एंड ये कॉलेजन को भी सेंसिटिव करता है। तो साथ साथ में अपना फेस जो है वो वॉश करूंगी इसके साथ। मैं ये फेशियल किट्स हमेशा अपने साथ रखती हूँ, स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब, क्योंकि कभी भी आपको लग सकता है कि यार मेरा फेस डल लग रहा है धूप में घूम घूम के, टैन हो के, तो फिर आप एकदम से ये फेशियल करते हो और फिर आपको अच्छे से रिफ्रेशमेंट मिल जाती है। तो मेरा सेकंड स्टेप भी हो गया है कंप्लीट। तीसरा है हमारा पीयू एक्सफोलिएटर। पीयू एक्सफोलिएटर वन ऑफ माई फेवरेट स्टेप, क्योंकि ये इस तरह से एक्सफोलिएट करता है कि आपके पूरे डर्ट को, ऑयल को, जैसे बाहर आए हो, ठीक है, आपकी इम्प्योरिटीज हैं स्किन को, उनको प्रॉपर खींच लेता है एंड स्किन को ड्राई भी नहीं होने देता। तो बेसिकली हम इसको, एक्सफोलिएटर है ये, तो थोड़ा सा आपको छनछनापन लगेगा, झंझनाहट सी, बट मे बी जब अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो इसको मैं थोड़ा सा पैक की तरह लगा लूंगी। हमने इसको कुछ नहीं करना, हमने इसको पैक की तरह रखना है 5 to 7 मिनट्स एंड देन हमने रिमूव कर देना है। ये हमारे डर्ट, ऑयल, इम्प्योरिटीज को खींच के पोर्स को क्लीन कर देगा। तो इसको हो गए हैं 5 मिनट, अब मैं इसको वॉश कर लूंगी। जैसे कि मैंने बताया था पीयू एक्सफोलिएटर मैं ना हमेशा वॉशरूम में ही करती हूँ, जो भी अपना फेशियल करना हो, क्योंकि इजी बहुत रहता है। वॉश मशीन पे खड़े होके साथ साथ में अपना, क्योंकि 2-3 बार इसमें मुंह धोना होता है, तो फ्रेश पानी से अपना आराम से मुंह धो लेती हूँ। ठीक है जी। अब चौथा एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका व्हाइटनिंग जेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके ब्लैमिशेस पिगमेंटेशन टैनिंग, आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है। इसकी हम अच्छे से मसाज करेंगे 15 मिनट्स, ठीक है। तो इस जेल को करना है अप्लाई एंड हम अच्छे से इसका मसाज करेंगे, रिलैक्स करेंगे पूरा सर्कुलर मोशन में।
15 मिनट्स तक हम इसका मसाज करेंगे। वाइटनिंग जेल के बाद आप यूजुअली नेक्स्ट स्टेप भी कर सकते हो, बट मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है रेडियंस मसाज क्रीम। इसमें आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो आपकी स्किन को यूथफुल बनाते हैं, कॉलेजन सिंथेसिस करते हैं, पिगमेंटेशन को हटाते हैं, फ्री रेडिकल्स को हटाते हैं। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी पिगमेंटेशन किट का, फेशियल का। तो इसको हमने अब अच्छे से 15 मिनट्स तक मसाज फिर से करेंगे एंड इसको हम धोएंगे नहीं, ठीक है जी। इसको करने के बाद हम धोएंगे नहीं, 15 मिनट्स हम अच्छे से फेशियल मसाज देंगे। जब तक क्रीम एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक मसाज करते रहेंगे जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो मसाज कर करके मैंने अपना सारा क्रीम एब्जॉर्ब करा लिया है 15 मिनट्स तक। अब इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप इज AHA मास्क, अल्फा हाइड्रोक्सी मास्क, जो कि क्या करता है, एक तो ये आपके ना पोर्स को मिनिमाइज करेगा। अब जो जितना भी नरिशमेंट चीजें चली गई है स्किन के अंदर, ठीक है, उसको ये अच्छे सा इफेक्ट देगा। प्लस ये आपका इन्फ्लामेशन घटाता है, अगर आपको कोई इम्प्योरिटीज, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ठीक है, या इम्प्योरिटीज हैं स्किन में, या फिर एजिंग का कंसर्न है, या फिर ब्लैकनेस, डलनेस, ब्लैमिशेस, तो ये उसके ऊपर आप डायरेक्टली वर्क करता है। जब आप इसको लगाते हो ना, हल्का सा जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको जैसे जैसे कीड़ियाँ चलती हो ना, ऐसे झंझनाहट सी फील होगी, बट विद इन फ्यू सेकेंड्स इट विल सेटल डाउन एंड आप आराम से इसको लगा के 10 मिनट्स तक एटलीस्ट रखिए। ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। उसमें सनस्क्रीन भी है, मॉइस्चराइजर भी है। 15 मिनट्स हाँ, तो 15 मिनट्स हो गया हमें मास्क को। हाँ जी, हेलो, से हेलो, हेलो, इधर आके लग रही सी। हाँ जी मम्मा। क्यों, की कराना सी मम्मा तू? मैं तोड़े तो कुछ कराना सीगा। तो लगा मम्मा किथे गए, मम्मा वॉशरूम सी ना, फेशियल कर रहे हैं टाइम तो। हाँ। बस लास्ट टाइम कमिंग, ओके? ओके मम्मा। ठीक है। तो अब मैं इसको वॉश करूंगी। इसको डायरेक्ट वॉश करने से बेटर है कि जो आपके पास टॉल है या जो भी आप यूज कर रहे हो कॉटन, उसको हमने गीला किया एंड इस मास्क को उतारा। ये कोई उतारना मुश्किल नहीं है ना, वो चिपचिप करेगा इसके बाद या चीजें हल्की सी आपकी स्किन जो है बहुत ही थोड़ी सी आपको रेडनेस महसूस होगी इस मास्क के बाद, बट आपने घबराना नहीं है, इतनी भी कोई रेड नहीं होगी, जस्ट इतनी सी देख सकते हैं। ये 2 मिनट में सेटल हो जाएगी, हार्डली इन 2 मिनट्स। एक में सूखे का इस्तेमाल भी कर लेती हूँ सो दैट ये अच्छे से रिमूव हो गया पैक, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि मैं डे में ये कर रही हूँ फेशियल, और वैसे भी मॉइस्चराइजर यूवी क्रीम इसका लास्ट स्टेप है, क्योंकि हमने फेशियल किया है तो मॉइस्चराइजेशन करनी बहुत जरूरी है। अब देखो कि स्किन चमक गई है, मैं आपको थोड़ा सा कैमरे का ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट लाइटनिंग हियर, सी यू कैन सी माई स्किन, है ना, पूरी क्लीन एंड नाइस। तो अब ये मॉइस्चराइजर क्रीम एंड इसमें सनस्क्रीन है SPF 50, यूवीए यूवीबी रे से बचाने वाला। यस अच्छा मैं दसो मम्मा सोने बन गए कि नहीं? मम्मा बहुत सोने बन गए पक्का? ओके 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 ओके। सो फेशियल डन,
बाय बेबी, बस मैं आ रही हूँ। ओके, तो फेशियल डन एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन माय स्किन, इट्स अमेजिंग।